सावन का महीना शुरू हो चुका है। जगह जगह शिवालयों में कांवड़िया जल भरकर भोले बाबा को प्रसन्न करने में लगे हैं। सावन के माह में कांवड़ियों की आस्था व सुरक्षा को देखते हुए शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने शिव सैनिकों के साथ एकत्रित होकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए कांवड़ियों की सुरक्षा की मांग की और सावन माह में मांस मदिरा की दुकानों को बंद करने के लिए एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। प्रदर्शन करते हुए शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि सावन माह के पवित्र महीने में साफ सफाई करके गड्ढा मुक्त करने, मांस मदिरा की दुकानें बंद करने एवं बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से करने की मांग करते हैं। ज्ञात हो कि सावन माह का पवित्र महीना चल रहा है। सावन में लाखों कांवड़िए ब्रजघाट व हरिद्वार से जल लेकर मुरादाबाद के लिए आते हैं। वर्तमान में महानगर के चारों ओर सड़कों पर गड्ढे और पानी भरा हुआ है, जिससे कांवड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए शिव सैनिक ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से यह मांग करते हैं कि कांवड़ियों की परेशानी को देखते हुए सड़कों को गड्ढा मुक्त एवं दवा पानी की व्यवस्था कराई जाए। ज्ञापन देने वालों में गुड्डू सैनी, अकरम, कासिम मंसूरी, मनोज कुमार, अनुप कुमार, बाबू सैनी, मनीष प्रजापति, लक्की कुमार, राकेश कश्यप, राजेंद्र कश्यप, महेश प्रजापति आदि लोग मौजूद थे। जी रामेश्वर दयाल सुन रहे हैं जी, किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे हैं? आज शिव सैनिक कांवड़ियों के सम्मान में जिलाधिकारी कार्यालय मुरादाबाद पर धरना प्रदर्शन कर सौंपे ज्ञापन में मांग करते हैं कि मंदिर की साफ सफाई की जाए, सड़कों की साफ सफाई की जाए, सड़कें गड्ढा मुक्त की जाएँ और सावन के पवित्र मास में जो महानगर में शराब की दुकानें खुली हुई हैं, मीट की दुकानें खुली हुई हैं, इन्हें तत्काल बंद किया जाए। अगर शीघ्र ही शिव सैनिकों की मांग को पूरा नहीं किया गया और कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था नहीं की गई, शिविर नहीं लगाए गए, स्वस्थ शिविर नहीं लगाए गए और मीट और शराब की दुकानें बंद नहीं की गई, तो शिव सैनिक शीघ्र ही जिलाधिकारी कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है और हम मांग करते हैं शीघ्र से शीघ्र सड़कें गड्ढा मुक्त की जाएं, साफ़ सफाई की जाए, पानी की निकासी की जाए, सड़कें साफ की जाएं और लाइटों की व्यवस्था की जाए, कांवड़ियों के लिए शिविर लगाए जाएं, कैंप लगाए जाएं, स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं, भोजन के शिविर लगाए जाएं आदि आदि मांग को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है।